हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत लोगों को परेशान करता है। ये पूरे शरीर में होने वाला बॉडी एक होता है और हमें लगता है कि कहीं ये जोड़ों की बीमारी तो नहीं है, पर इस बीमारी को हम मायोफेशियल पेन बोलते हैं, यानी कि मसल मायो यानी मसल फेशियल यानी उसके नीचे की एक लेयर होती है फेशिया, उसमें होने वाला पेन होता है। फीमेल पेशेंट के अंदर ये पेन बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसमें थकावट होती है, बहुत इरिटेशन फील होता है, पूरी बॉडी में पेन लगता है। स्लीप के डिस्टरबेंस का भी एक कारण होता है कि स्लीप नहीं आ रही है सही से, खासतौर से जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, छोटे बच्चे के साथ काफ़ी जागना पड़ता है, तो तब इस प्रकार के पेन होने लगते हैं। तो ये जो मायोफेशियल पेन है, इसको हम फाइब्रोमायल्जिया बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो एक बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जिन पॉइंट्स पे पिन पॉइंट इसका पेन होता है। हेड पे हिस्सा होता है कुछ, यहाँ शोल्डर ब्लेड के आसपास, बैक के अंदर, वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें इस चीज़ का पेन होता है। तो मेनली थकावट लगना, पेन होना और बिल्कुल बॉडी के अंदर ताकत ना होना, फटीग की फीलिंग आना, ये सब इस पेन के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली ये पेन किसी जॉइंट की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं है। जो आर्थराइटिस के पेन होते हैं, जोड़ों के पेन होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन से होने वाला पेन नहीं है, ये मायोफेशियल पेन है। इसका मेन रीजन ब्रेन के लेवल पर कुछ ना कुछ केमिकल इस तरीके से डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पेन के केमिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेन होता है। इसीलिए जो इसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिंस भी आती हैं, वो भी डिफरेंट टाइप की मेडिसिंस होती हैं, जैसे कुछ सप्लीमेंट होते हैं कार्निटिन टाइप के। उसके अलावा प्रीगैबलिन एक ड्रग आती है जो न्यूरैल्जिक पेन यानी नर्व से रिलेटेड पेन के लिए दी जाती है, उसका रोल होता है। ड्यूलॉक्सिटिन होती है, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स टाइप की दवाई होती हैं। ये सारी स्पेसिफिक दवाई हैं जो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और सही डायग्नोसिस के बनने के बाद देनी चाहिए, ये दवाइयाँ काम करती हैं। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ काम करती है जो रिसर्च बताती है, वो है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर इस तरीके के पेन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको जो स्लीप डिस्टर्ब है, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में जहाँ आपको पता है कि आप नाइट और डे शिफ्ट में काम करते हैं, या छोटा बच्चा है, या किसी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल हैबिट की वजह से आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ ये फाइब्रोमायल्जिया वाला मायोफेशियल पेन काफ़ी कॉमन होता है। सो सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।